जब हम डिजिटल पैनल को यूज करते हैं तो क्या हमें उसे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है? वेल दैट डिपेंड्स, क्योंकि इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। ना किस लिए है पहले वो समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये जो आपका डिजिटल पैनल है इसमें आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। सरल भाषा में समझे तो ये बिल्कुल आपके एंड्रॉयड फोन की तरह है। जो काम आप अपने एंड्रॉयड पर कर सकते हैं वही काम आप इस डिजिटल पैनल पर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट चला सकते हैं, आप इस पर भी चला सकते हैं। यहाँ पर जो ब्राउजर टैब है उसे आप ओपन करेंगे, मेल्स चेक कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं या फिर इंटरनेट पर जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें वाइट बोर्ड यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ई नोट जो इसका डिफ़ॉल्ट वाइट बोर्ड है वो मिलता है और इसमें हमें इतने सारे फंक्शंस मिलते हैं जितने हमें टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारे फंक्शंस आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। अब सपोज़ आप इस वाइट बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट किया हुआ है और आप उसी को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पावर पॉइंट की जो आपकी स्लाइड्स होंगी उनको आपको एक्सपोर्ट करना होगा एज PDF। उनको आप अपने पेन ड्राइव में ले लेंगे, पेन ड्राइव आप कनेक्ट करेंगे किससे, अपने डिजिटल पैनल से, और वो जो आपकी स्लाइड्स होंगी वो आप यहाँ पर सारी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेन्यू में जाकर आपको इंपोर्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपको इमेज, PDF, SVG, IWB ये चार फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। आप सिंपल PDF फाइल जो है आपकी उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी आप इस बोर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उनको रिसाइज करके मल्टीपल पेजेस में जितनी भी स्लाइड्स हैं आपके पास उन सारों को यहाँ पर आप लाकर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेन जो हमारे फंक्शंस होते हैं एज टीचर्स हम जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं, ठीक है। तो आपको अलग से कोई डिवाइस कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपको इसे विंडोज़ की तरह यूज़ करना है तो उस केस में ज़रूर आपको इसे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज कोई भी एडिशनल कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो आप जैसे ही एक एजुकेटर द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, जिन्होंने कमेंट में मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो अगर आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।